पूरे राज्य में जिन्होंने टॉप 5 पोजीशंस हासिल किया है उसकी सूची भी आज जारी की गई है, जिसके अनुसार पूरे राज्य में विज्ञान संकाय में जीएम उच्च विद्यालय सा इंटर कॉलेज बढ़रिया सिवान के मृत्युंजय कुमार ने राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 481 अंकों की प्राप्ति हुई है और इस प्रकार ये 96.2% मार्क्स के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार 8 संकाय में तुषार कुमार, जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एवं साइंस नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 23/3/2024 को 1:30 बजे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 का परीक्षा फल जारी किया गया है। आनंद किशोर अध्यक्ष ने कहा कि जो भी विषयों में अलग अलग विषयों में टॉपर को जो अंक प्राप्त हुए हैं, काफी अंक अच्छे प्राप्त हुए हैं। आगे इन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा फल की घोषणा आज की गई, जिसमें 8 संकाय में कुल 6,34,480 विद्यार्थियों में 5,46,621 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार कुल संख्या का यह 86.15% उत्तीर्णता है। वाणिज्य संकाय में 39,658 विद्यार्थियों में 37,629 विद्यार्थी पास हुए हैं, जो 94.88% है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में 6,17,334 विद्यार्थियों में से 5,42,008 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 87.8% है। इस प्रकार तीनों संकायों को मिलाकर वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में कुल 12,91,684 विद्यार्थियों में से 11,26,439 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 87.21% है। तीनों अलग अलग संकायों में पूरे राज्य में जिन्होंने टॉप 5 पोजीशंस हासिल किया है उसकी सूची भी आज जारी की गई है, जिसके अनुसार पूरे राज्य में विज्ञान संकाय में जीएम उच्च विद्यालय सा इंटर कॉलेज बढ़रिया सिवान के मृत्युंजय कुमार ने राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 481 अंकों की प्राप्ति हुई है और इस प्रकार ये 96.2% मार्क्स के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार 8 संकाय में तुषार कुमार, जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एवं साइंस के छात्र हैं, इन्हें 482 अंक प्राप्त हुए हैं और ये भी 96.4% के साथ इन्होंने 8 संकाय अर्थात कला संकाय में पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इसी प्रकार वाणिज्य अर्थात कॉमर्स संकाय में सुश्री प्रिया कुमारी, जो महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय बवंदीघा शेखपुरा की छात्रा है, इन्होंने 478 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में
सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है जो कुल अंकों का 95.6% अंक है। जो भी अलग अलग विषयों में टॉपर्स के जो अंक प्राप्त हुए हैं वह भी काफी अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। इससे यह धारणा भी अब स्पष्ट रूप से बलवती होती जा रही है कि पूर्व के वर्षों में जो बिहार बोर्ड के टॉपर्स को या बिहार बोर्ड के छात्रों को कम अंक प्राप्त होते थे, अब बिहार बोर्ड के भी छात्रों को छात्राओं को अन्य बोर्डों की तुलना में काफी बेहतर अंक प्राप्त होते हैं और इसके कारण न सिर्फ उन्हें अन्य जगहों पर एडमिशन लेने में कठिनाई नहीं होती है बल्कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पहले की तुलना में काफी बेहतर होता है। ये सारी उपलब्धियां बिहार बोर्ड के सभी हमारे पदाधिकारियों और कर्मियों के कारण संभव हो पाया है। अतः इस परीक्षा फल के ससमय त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रकाशन के लिए मैं समिति के सभी पदाधिकारियों कर्मियों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ और इसके साथ साथ राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ उन सभी तमाम मजिस्ट्रेट्स पुलिस कर्मी जिन्होंने इस पूरे परीक्षा व्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान दिया उन सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी प्राध्यापक शिक्षण संस्थानों को भी मैं बधाई देता हूँ और सबसे महत्वपूर्ण जो भी छात्र और छात्राएं आज के इस परीक्षा फल में जिन्होंने उत्तीर्णता हासिल की है जो पास हुए हैं वे तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और जिन छात्र छात्राओं को भी किसी कारणवश इस परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल नहीं हो पाई है उनके प्रति भी मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि बहुत जल्द आगामी अप्रैल माह में इस पूरे नई व्यवस्था के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी फॉर्म भरा जाएगा, आप उसमें अप्लाई करें। 28 मार्च से इस परीक्षा के लिए स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। जिनको भी यदि अपने अंकों में किसी प्रकार की कमी लगती है या किसी प्रकार का वो उन्हें संतोष है वे 28 मार्च से स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसी प्रकार कंपार्टमेंटल के लिए भी फॉर्म 28 मार्च से भरे जाएंगे और उसका आयोजन भी शीघ्र किया जाएगा ताकि अगला सेशन शुरू होने के पूर्व अधिकतम मई माह तक हम लोग कंपार्टमेंटल का भी रिजल्ट देने का हमारा लक्ष्य है ताकि ऐसे विद्यार्थियों को किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं हो। और आप सभी मीडिया के बंधु और सभी पदाधिकारियों को भी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। इस बार जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए फॉर्म 28 मार्च से लिया जाना है दो परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी। पूर्व के वर्षों में कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा का आयोजन किया जाता रहा था लेकिन इस बार की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। इस बार कंपार्टमेंटल परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी और विशेष परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी। जो भी विद्यार्थी विशेष परीक्षा में भाग लेंगे उनके अंक पत्र पर या किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपार्टमेंटल शब्द का उल्लेख नहीं रहेगा। पूर्व के वर्षों में कंपार्टमेंटल सविशेष परीक्षा का उल्लेख किया जाता था, इस वर्ष से व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और दोनों परीक्षाएं अलग अलग लेकिन एक ही अवधि में आयोजित की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि अलग अलग बोर्डों की तुलना में काफी बेहतर अंक प्राप्त होते हैं और इसके कारण एडमिशन लेने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। ये सारी उपलब्धियां बिहार बोर्ड के सभी हमारे पदाधिकारियों और कर्मियों के कारण ही संभव हो पाया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।